दबंगों के हैं हौसले बुलंद। जी हां, खबर है यूपी के आगरा जिले के पिनाहर थाना क्षेत्र अंतर्गत से, जहां गांव में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता महिला के पति के बच्चों सहित घर में कैद करने का आरोप। पीड़ित और उसके पति ने बच्चों से घर में बंद होने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया है। वायरल वीडियो में पति पत्नी ने बच्चों सहित बीमार होने का दिया हवाला। नहीं मिली दवा, कांग्रेसी नेत्री से फोन पर मांगी मदद। पीड़िता के घर पर पहुंची कांग्रेसी नेत्री मनोज दीक्षित, साथ में पहुंचे बसपा के गोरेलाल नेताजी ने पुलिस को अवगत कराया। देखे पिनाहर से कमलेश की यह रिपोर्ट। इलाज करवाते हैं हम अपने सभी, इससे पहले आप आए थे, तो पुलिस ने इसकी मदद नहीं की? पुलिस दबी हुई है, पुलिस योगी और मोदी सरकार में चाहते हुए भी न्याय नहीं दिलवा पा रही पीड़िता को, लेकिन कांग्रेस पार्टी इनको साथ दिलवाएगी, कांग्रेस पार्टी पीड़िता के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी आगरा से हूँ। अभी आप आए हो, किस गांव में आए आप? ये उदयपुरा गांव है, थाना बासोनी से है। अभी इनकी वीडियो वायरल हुई थी कल, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि वो एक महिला अपने पति के साथ बच्चों के साथ में कमरे में बंद है, उसको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, उसके साथ गैंगरेप हुआ है। जब ये देखा तो अभी हमने इनकी घर पर आगे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गर्मी में चली अभी करे, जिंदा है ये सबसे बड़ी बात ये है। कभी हमने बाहर निकाला तो दो बार तो वो बेहोश हो गई था, उसके साथ गैंगरेप हुआ। अच्छा, आपने पीड़ित परिवार से आप मिले थे, वो क्या कह रहे थे, क्या वो जो पुलिस प्रशासन से उनको कोई मदद, कोई किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है? कोई मदद नहीं मिल रही है, फॉर्मेलिटी की जा रही है, उसको FIR की कॉपी नहीं दी गई, उसको मेडिकल की कॉपी नहीं दी गई, उसका मेडिकल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इस कार्रवाई से वो संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बल्कि वो तो ये बोल रहे हैं पुलिस वाले और क्या कहते हैं आगे दबंग लोग, मेरी बात सुन लीजिएगा, पुलिस वाले और दबंग लोग यहाँ पे प्रेशर ये बना रहे हैं कि ये अपना क्या कहते हैं आगे की कार्रवाई बंद कर दे और उसके साथ जो भी घटना हुई है उसको वो भूल जाए। अच्छा, तो आप इनके लिए क्या आश्वासन देके जा रहे हैं? पूरा आश्वासन देके जा रहे हैं कांग्रेस कमेटी की तरफ से। हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि इसको न्याय मिलेगा, दलित महिला को उसके पति के साथ में जो उत्पीड़न हुआ है उसके साथ उत्पीड़न हुआ है, दोषी सब जेल में होंगे, अपने कामों कर्मों की सजा भुगतेंगे और इसको न्याय दिलाएंगे। अभी तो उसकी स्थिति ऐसी भी नहीं है कि वो बोल भी पाए, दो बार बेहोश हो गई, उससे पहले हॉस्पिटल ले जा रहे हैं।